नमस्कार दोस्तों, आज है 18 अप्रैल 2023। 18 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो आपके पिछले सप्ताह का अपना करेंट अफेयर कुछ छूट गया था तो उसे हम आज से धीरे धीरे कवर कर देंगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हाल ही में भारत के सहयोग से इंटरनेशनल बी कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बना है? तो संस्थापक सदस्य आपके नेपाल बना है। भारत के सहयोग से इंटरनेशनल बी कैट्स अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PM मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, पुमा जैसे 7 बड़े बिलियों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। साथ ही इंटरनेशनल बी कैट्स अलायंस में जो है भारत जो है 5 वर्षों में $100 मिलियन खर्च करेगा, ठीक है? जो इंटरनेशनल बी अलायंस है उसे 5 वर्षों में भारत जो है $100 मिलियन देगा। रुपये में बोलिएगा तो करीब 800 करोड़ रुपया हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है नेपाल के बारे में। नेपाल जो है 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2010 में बोला था कि हम अपने देश में जो है बाघों की संख्या को दुगना कर देंगे। तो 2010 में नेपाल में कितने बाघ थे? तो 121 बाघ थे, जबकि 2022 में नेपाल में अब कुल जो है 335 बाघ हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि नेपाल ने अपने वादे को पूरा किया है। साथ ही आपको ध्यान से याद रखना है कि अब भारत के बारे में समझिएगा कि भारत में कुल कितने बाघ हैं 2022 तक। तो भारत में कुल आपके 3167 बाघ है, जबकि 2006 में भारत में कुल कितने बाघ थे? तो 1411 बाघ थे। और साथ ही आपको याद रखना है कि 2018 में कितने थे? तो 2967 बाघ थे। इसका मतलब है कि 2018 से 2022 तक जो भारत में 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये जो बाघ रिपोर्ट है कितने वर्षों में प्रकाशित होता है? तो हर 4 वर्षों में प्रकाशित होता है। जो प्रोजेक्ट टाइगर इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, जबकि 2023 में जो प्रोजेक्ट टाइगर को आपको 50 वर्ष पूरा हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेपाल राजवंश की स्थापना जो है शाह वंश के द्वारा किया गया था। नेपाल जो है दक्षिण एशिया का एक जो है लैंडलॉक कंट्री है। देखिए यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री उसे बोला जाता है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, उसे लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। जबकि नेपाल है इसकी सीमा चाइना और भारत से लगता है। भारत के किन किन राज्यों से नेपाल की सीमा लगता है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगता है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल जो है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडोल आपके राष्ट्रपति हैं। राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम मैगजीन की 2023 के वार्षिक 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। उनका नाम क्या है? शाहरुख खान और RR के निर्देशक ASS राजामौली को शामिल किया गया है। ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपके शाहरुख खान है, ये आपके ASS राजामौली हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो बाइडन को भी जो है 6ठा बार शामिल किया गया है टाइम मैगजीन की 2023 में, ठीक है? उसके बाद एलन मस्क को 5वां बार शामिल किया गया है और लियोनेल मेसी को आपके 3रा बार शामिल किया गया है। जो बाइडन के बारे में याद रखिएगा कि USA के जो है राष्ट्रपति हैं। USA के आपके राष्ट्रपति कौन है? तो आपके जो बाइडेन है ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। साथ ही एलन मस्क के बारे में आपको याद रखना है कि जो टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी के CEO कौन है? तो एलन मस्क है। और आपको जो स्पेस एक्स कंपनी के भी आपके CEO आपके एलन मस्क है, इतना आपको याद में रखना है। साथ ही आपको जो ट्विटर है उसके भी CEO आपके कौन है? तो एलन मस्क ही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि 2022-23 में जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो आपको याद रखना है अमेरिका है। 2022-23 में जो है कितने का व्यापार करता है भारत और अमेरिका दोनों आपस में मिलकर कितने का व्यापार करते हैं? तो 128.55 बिलियन डॉलर का, ठीक है, बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं 2022-23 में, जबकि 2021 और 22 में कितने का व्यापार किए थे? तो 119.5 बिलियन डॉलर का, और 2000
20 और 21 में कितने का व्यापार किया था भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था? तो 80.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो है भारत अमेरिका को कितना निर्यात किया है, तो 78.31 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, जबकि आयात कितने का किया है, तो 50.24 बिलियन का आपके भारत जो है आयात किया है। इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ जो भारत का व्यापार है आपके सरप्लस है करीब 28 बिलियन डॉलर का, इतना आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपके चीन है। चीन के साथ भारत कितना व्यापार किया है, तो 113.83 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। तीसरे में कौन है, तीसरे में आपके यूएई है, और चौथे में सऊदी अरब है, और पांचवा आपके सिंगापुर है। पांचवा आपके सिंगापुर से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है कि ये तो आपके हो गया ओवरऑल व्यापार हो गया। भारत जो है सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया है, तो भारत सबसे अधिक निर्यात जो अपना किया है वस्तु अमेरिका को किया है। दूसरा में आपके यूएई है, तीसरा में आपके नीदरलैंड है, तीसरा में आपके नीदरलैंड है। भारत सबसे अधिक वस्तु का आयात किस देश से किया है, तो सबसे अधिक चीन से किया है, दूसरा में आपके रूस है, तीसरा में यूएई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट आपके जारी किया गया, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में 150 करोड़ रुपये मूल के गैर परिवर्तित डिवेंचर में निवेश करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रिड संवर्धन के माध्यम से दिल्ली के बिजली वितरण में सुधार करना इसका उद्देश्य है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब होता है, तो 1966 में इसकी स्थापना होता है, और इसमें वर्तमान में 68 मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है पलाश बाड़ी सुआल कुची पुल का आधारशिला रखी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल का उद्घाटन सॉरी आधारशिला रखते हैं, बदना शुरू हो गया, ठीक है। जो पुल है, इस पुल का नाम क्या है, तो पलाश बाड़ी सुआल कुची पुल इसका नाम है, और इस पर टोटल आपके जो है 3200 करोड़ रुपये खर्च आएगा। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इनका हाल ही में आपके असम का दौरा हुआ था, ठीक है, हाल ही में असम का दौरा हुआ था, तो उसी क्रम में इसकी आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब इसके द्वारा जीता गया है। जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जो है नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध राजस्थान राज्य से इनका संबंध है, जबकि उप विजेता कौन है, तो श्रेया श्रेया पूजा ये आपके दिल्ली की है। उसके बाद है थुओजम अस्ट्रेला लुवांग ये आपके मणिपुर के हैं, ये आपके मणिपुर के हैं। तो आपको याद रखना है कि बी और जो सी है ये दोनों आपके उप विजेता हैं, ये आपके दोनों उप विजेता हैं। और विजेता कौन है, तो नंदिनी गुप्ता जो आपके विजेता है, जबकि श्रेया पूजा आपके उप विजेता और थुओजम अस्ट्रेला लुवांग ये आपके दोनों उप विजेता हैं, इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो मिस यूनिवर्स 2022 है इसके विजेता कौन है, तो आर बोनी ग्रेबियल है, इनका संबंध अमेरिका से है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया था, तो सरगम कौशल के द्वारा जीता गया था, इनका संबंध जम्मू कश्मीर से इनका संबंध था। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो सरगम कौशल के द्वारा जीता गया है, इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। जबकि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था, तो सीनी सेट्टी के द्वारा जीता गया था, लेकिन अब किसके द्वारा जीता गया है, तो अब जीता गया है नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है, ठीक है। इनका संबंध राजस्थान से है नंदिनी गुप्ता का। नेक्स्ट पॉइंट है कि लुइस कैफरेली को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो एबल पुरस्कार जो है लुइस कैफरेली को दिया गया है 2023 का। उसके बाद है कि 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो शिव संकरी को दिया गया है, शिव संकरी को दिया गया है। इसलिए दिया गया है, तो इनकी एक तमिल पुस्तक जिसका नाम है सूर्यवंशम, सूर्यवंशम के लिए इनको जो है 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। उसके बाद देखिए 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को जो है 32वां व्यास सम्मान दिया गया है, और इनका जो उपन्यास है पागल खाना के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसके द्वारा जीता गया है, तो आलिया मीर के द्वारा जीता गया है, इनका संबंध जम्मू कश्मीर से, इनका संबंध जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है EMT वासुदेवन नायर को दिया गया है।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है मीराबाई चानू को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार श्री रतन टाटा को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 इसे दिया गया है, तो हरि बाल कृष्णन को दिया गया है, हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शक्तिकांत दास को दिया गया है, जो आरबीआई के गवर्नर है, 25वें नंबर के गवर्नर है। बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन की खोज के लिए जूस मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बृहस्पति के चंद्रमा पर जो है जीवन की खोज के लिए जूस मिशन को जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसे जो है एरियन स्पेस रॉकेट के माध्यम से फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया है। जो जूस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जुपिटर बृहस्पति जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर मिशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। साथ ही आपको समझना कि जो नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। यहाँ पर समझिए आप बृहस्पति को, ये आपके सूर्य है, ठीक है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद आपके मंगल है। ये जो चार ग्रह हैं, इन चार ग्रहों को जो है आंतरिक ग्रह बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये आपके क्षुद्र ग्रह है, ये आपके क्षुद्र ग्रह है, ये सारे जो पत्थर आप देख रहे हैं थोड़ा छोटा छोटा, ये आपके क्षुद्र ग्रह है। जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है आंतरिक ग्रह को बाह्य ग्रह के आंतरिक ग्रह को जो है बाह्य ग्रह से अलग करता है। तो जो आपके बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है ये आपके आंतरिक ग्रह है, लेकिन जो आपका जूस मिशन है ये कहाँ पर जाएगा, तो बृहस्पति पर जाएगा। इसका मतलब है कि जो क्षुद्र ग्रह इसे पार करके जो है बृहस्पति पर जाएगा। और आपको याद रखना कि बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, ठीक है, जैसे कि जो पृथ्वी है इसका आपके चंद्रमा उपग्रह है, उसी प्रकार से जो बृहस्पति है उसके भी आपके उपग्रह है, तो उस उपग्रह को अध्ययन करने के लिए जूस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इसमें एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो बाह्य ग्रह कौन कौन से उसमें आते हैं, तो आपके बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, इसे जो है बाह्य ग्रह बोला जाता है। साथ ही आपको याद रखना एक पॉइंट और भी कि इसका क्रम याद रखिएगा। क्रम कैसे याद रखिएगा आप लोग, तो सबसे पहले बुध है, ठीक है, बुध के बाद एक दिन छोड़ दीजिएगा, तो बुध के बाद क्या आता है बृहस्पति, एक दिन छोड़ दीजिए तो क्या आएगा शुक्र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो शुक्र के बाद क्या आ जाएगा शनि, तो शनि छोड़ दीजिए, अब संडे आइए, ठीक है, संडे कहाँ मतलब जो संडे कहाँ बिताइएगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी हो जाएगा आपके। उसके बाद पृथ्वी के बाद जो है सोम आता है, सोम के बाद जो आपके मंगल आता है, तो मंगल पर आ जाइए, एक दिन छोड़ छोड़ के आपको आना है, ठीक है। उसके बाद मंगल के बाद बुध आता है, बुध नहीं तो बृहस्पति आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, शुक्र आपको नहीं रुकना है, आपको शनि को जाना है, ठीक है, एक दिन छोड़ छोड़ के जाना है। जैसे कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक दिन छोड़ के जाइएगा बुध के बाद आपके आता है बृहस्पति छोड़ दीजिएगा, शुक्र जाइएगा, तो ये क्रम आपको यहाँ तक याद हो जाएगा। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून आपको याद कर लेना है ध्यान से, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जो छल्ला दिख रहा है ना, ये छल्ला आपके शनि और बृहस्पति दोनों पर है। एनसीईआरटी इसके बारे में लिखता है कि जो छल्ला है इसके ऊपर रिंग जो है वो आपके शनि और बृहस्पति दोनों पर है, आप लोग एनसीईआरटी को चेक भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए यूरेनस जो आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना कब होता है, तो 30 मई 1975 को स्पेस एजेंसी की स्थापना होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। और इसके सीईओ कौन है, तो जोसेफ एस्क बाकर इसके जो है सीईओ है। यूरोपीय यूनियन में कुल कितने देश हैं, तो कुल आपके 27 देश है यूरोपियन यूनियन में, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में जो है बिहू नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यह किस राज्य का नृत्य है, तो ये असम राज्य का नृत्य है, असम राज्य का नृत्य है। जो बिहू नृत्य है एक साथ जो है 11,000 नर्तकों ने जो है एक साथ आपके डांस किया और आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो आपके बिहू नृत्य है ये असम से इसका संबंध है, असम आपके मैप में ये आपके असम है, असम की राजधानी आपके देशपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया है, लोकसभा में 14 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, विधानसभा में 126 सीट है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो आपके असम में ही स्थित है, जो एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही आपको याद रखना कि डोलो पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, ये प्रश्न आपके पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में।
उसके बाद है कि सिक्किम के बारे में याद रखेगा कि पूर्णतः जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो सिक्किम आपके पहला राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एम आर एफ दुनिया का सबसे मजबूत टायर ब्रांड बन गया है, जो ट्रक में इस्तेमाल होता है, जो गाड़ी में इस्तेमाल होता है उसी को बोलते हैं टायर। तो जो टायर आपके एम आर एफ कंपनी का दुनिया का सबसे मूल्यवान टायर ब्रांड बन गया है। उसके बाद है कि विश्व हेमोफेलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हेमोफेलिया क्या होता है कि अगर यहाँ पर समझिएगा, जब किसी व्यक्ति का हाथ पैर कट जाता है, अगर ब्लड नहीं रुक रहा है तो समझिए कि उस व्यक्ति को जो है हेमोफेलिया से मौत हो जाएगी, क्योंकि अगर ब्लड नहीं रुक रहा है तो ब्लड उसके शरीर में कमी हो जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। तो हेमोफेलिया किसे बोला जाता है, जब किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, ब्लड नहीं रुक रहा है, तो उसे बोलेंगे कि वो व्यक्ति जो है हेमोफेलिया का शिकार है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाद यहाँ पर देखिए, जो असम है इसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगता है, जबकि राज्यों में जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगता है, जबकि सिक्किम की सीमा जो है, सिक्किम की सीमा आपके नेपाल, भूटान और चीन से लगता है, जबकि देश में आपके पश्चिम बंगाल से लगता है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हाँ, जो असम में ही जो है गज महोत्सव मनाया गया था, आपको बार बार बता रहे हैं, जो गज महोत्सव है इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है बाढ़ प्रबंधन के लिए 108 मिलियन डॉलर का जो है ऋण किसे दिया है, तो असम राज्य को दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रीवियस क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो घाना बन गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर देखिए आंसर रेडी रह गया, कोई नहीं, इसके बारे में आप जो कुछ जानते हैं जगनमोहन रेड्डी के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।